तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने कैमटेजिया स्टूडियो डाउनलोड कर लिया होगा। तो दोस्तों अब आप इसको इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो आपको बताएंगे। देखें दोस्तों, आपने कहीं पे भी जब इसको डाउनलोड कर लिया होगा तो ऐसी फाइल आपके सामने आ रही होगी, कैमटेजिया स्टूडियो V8.4.2.1 एप्लीकेशन लिखा होगा आगे। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है दोस्तों? अब इसको आपने डबल क्लिक करना है इस फाइल के ऊपर। ठीक है जी, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, आपने यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है ये जो है। ठीक है, ये लिखा हुआ कुछ और नज़र आ रहा है किसी और ज़बान में, इसको चेंज कर लेते हैं, अभी ये फिक्र ना करें। आप आई एग्री पे पहले क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी पॉपअप विंडो आने लगेगी। पहले ये यहाँ पर दोस्तों हुई होगी, इस जगह पे ये रंगीन हुआ होगा। ठीक है, आपने ये अमेरिकन जो झंडा आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है, या ये जो इस पे ये जो ऊपर चेक का जो साइन आ रहा है इसको क्लिक करें तो ऐसे चेक होके ये कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसका मतलब है आपने अमेरिकन लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर ली है। ठीक है जी, चूज़ कर ली है, सॉरी। इसको चेक रहने दें, उसके बाद यहाँ आप दोबारा क्लिक करें, एक क्लिक दोबारा करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये पूरी तरह इंस्टॉल हो जाए, जब मुकम्मल एक प्रोसेस अपना मुकम्मल कर ले, ठीक है दोस्तों, तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो आने लगेगी। ठीक है जी, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर आइए एक्सेप्ट पे, अगर पहले से क्लिक हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर आइए एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ इस विंडो के ऊपर ये ऐसी विंडो आ जाएगी। तो दोस्तों अब अगर तो किसी ने यहाँ पाथ चेंज करना है, फ़र्ज़ करें किसी ने ये फ़ाइल डी में रखनी है या सी या ई में रखनी है, कहीं पे भी, तो वो तो यहाँ से ब्राउज़ करके फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर दे। ठीक है, जिन्होंने नहीं करनी वो रहने दें, यहाँ पर भी ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यानी जब ये विंडो आपको नज़र आए तो आपने कुछ नहीं करना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ ये आ जाएगा, ऐसी विंडो खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप बेशक नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर ऐसी विंडो आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ फिनिश कर दें। ठीक है दोस्तों, अब फिनिश करने के बाद जब थोड़ा सा हो सकता है कोई प्रोसेस थोड़ा सा और करें उसको करने दें, यानी खुद ब खुद जो कुछ हो रहा है उसको करने दें। ठीक है, जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये कैमटेजिया स्टूडियो जो पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएं तो ऐसा आइकन आपके सामने बना आ रहा होगा कैमटेजिया स्टूडियो 8 का। ठीक है दोस्तों, इसको आपने डबल क्लिक करके कैमटेजिया स्टूडियो ओपन कर लेना है, फिर आपको बताएंगे कि उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग कैसे होगी। तो दोस्तों इससे पहले आपने एक काम और करना है, बहुत फ़ायदे की बात बताने लगा हूँ, बिल्कुल फ्री में। मैं ये देखें, सबसे पहले आपने जाना है हैंड ब्रेक डॉट एफ आर लिखना है, गूगल पे जाके लिखें हैंड ब्रेक डॉट एफ आर, जिस तरह ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब आप ये लिखे एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये शो होने लगेगा। ठीक है जी, ये देखें डाउनलोड हैंड ब्रेक, इसके ऊपर क्लिक करें, ये जो है रेड कलर का जो लिखा लिखा आ रहा है इस पर क्लिक करें, डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये नीचे आपके यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिन्होंने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर किया हुआ है वो अपने तरीके से कर लें, डाउनलोड उनको पता होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये यहाँ पूरी तरह डाउनलोड हो जाए, ठीक है जी, यहाँ डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें ये नेक्स्ट पे सॉरी क्लिक करना है यहाँ, तो दोस्तों यहाँ फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये देखें नेक्स्ट का जो बटन आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास ये आई एग्री का बटन आ जाएगा, ऐसे पॉप विंडो आ जाएगी, फिर आई एग्री पे क्लिक करें इधर, ये देखें। ठीक है जी, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करें। ठीक है जी, और जब इंस्टॉलेशन पूरी हो जाए, जब मुकम्मल हो जाए, आपके सामने खुद ब खुद ऐसी विंडो आ जाएगी, तो आप इसको फिनिश कर दें। फिनिश पे क्लिक करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपके सामने ये देखें ये हैंड ब्रेक जो है ये इस तरह से आपके सामने शो हो रहा होगा, जिसके ऊपर ये एक पाइन एप्पल की तस्वीर है और एक ग्लास की है, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया। अब आपको बाद में बताएंगे कि इसका काम क्या है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है कैमटेजिया स्टूडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बड़े पते की बात इसमें बता दूं, देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो बनाते हैं, अब आप चाहते हैं कि यार मैं कैमटेजिया स्टूडियो में डालता हूँ और उसके अंदर एडिटिंग करते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ फॉर्मेट्स वीडियोज़ के ऐसे होते हैं जिसे कैमटेजिया स्टूडियो एक्सेप्ट ही नहीं करता,
यानी कि जैसे WMV भी शायद इस ये एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ मोबाइल से वीडियोस जो बनी होंगी वो इसमें एंटर ही नहीं होंगी, तो आप जब इस सॉफ्टवेयर में आ ही नहीं सकेंगी तो एडिटिंग कहाँ से होगी। उसका मैं तरीकाकार बताता हूँ। अब हमें काम आएगा क्या, हैंड ब्रेक, जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, ये एक वीडियो जो है, ये देखें, ये मेरे मोबाइल से बनी हुई है। ठीक है, इसका फॉर्मेट है विंडो मीडिया प्लेयर, लेकिन ये कैमटेजिया स्टूडियो के ऊपर नहीं आएगी। आप ये देखिएगा, ये देखें, ये डी में पड़ी हुई है, टोटल डी के बिल्कुल सामने। ठीक है, तो हम कैमटेजिया में जाते हैं, हम इंपोर्ट मीडिया में जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम डी को क्लिक किया, ये देखें डी पहले से क्लिक है। अब ये किस नाम से पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये फाइल, अब हमने कैमटेजिया जब ओपन किया तो अब यहाँ आप इसको ढूंढते रह जाएं, ये फाइल आपको नहीं मिलेगी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कुछ भी नहीं है, ऑल मीडिया फाइल्स आ रही हैं, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि सब कुछ शो हो रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वो फॉर्मेट ऐसा है कि जो कैमटेजिया स्टूडियो जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब आपकी बनाई हुई वीडियो, मोबाइल से बनाई हुई वीडियो अगर ऐसी ही निकल आए तो अब आप उसको कैमटेजिया स्टूडियो पर कैसे लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये ओपन कर लिया आपने, डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है इसके आइकन के ऊपर, तो इस तरह से विंडोज़ आपके सामने आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि ये देखें, फाइल ओपन है, सिंगल वीडियो, ये देखें, इस पर क्लिक करें, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारी वो वीडियो फाइल जो कैमटेजिया पे सोनी हो शो नहीं हो रही थी, यहाँ शो हो रही है हैंड ब्रेक पे। इस पर आप डबल क्लिक कर दें, देखें, प्लीज़ वेट 100% होने दें, ये देखें ये वीडियो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हमने इसका वो फॉर्मेट बनाना है जो कैमटेजिया स्टूडियो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले ब्राउज़ के बटन पर जाएंगे, ये देखें ब्राउज़। ठीक है जी, ब्राउज़ पे क्लिक किया और हम इसको पाथ देंगे कि हमने इसको डाउनलोड करना है, ये तो हम डी में कर लेते हैं। ये देखें नीचे MP4 भी लिखा आ रहा है, ये देखें ये MP4 जो है ये इसको कैमटेजिया स्टूडियो एक्सेप्ट करेगा। तो हम इसको यहाँ नाम देते हैं, इस वीडियो को ही देते हैं 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है जी, अब हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है इस जगह पे, ये देखें। लेकिन अब हमने आखिरी जो काम करना है वो क्या करना है, ये देखें स्टार्ट इन कोड, ये देखें स्टार्ट इन कोड ये जो आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, बस अब आपने थोड़ी देर वेट करना है, ये देखें नीचे शुरू हो गई। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर जो है ये इंटरनेट के साथ लिंक नहीं है, इसलिए ये जल्दी आपको फॉर्मेट चेंज करके दे देगा, वरना ऐसे कई ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑन इंटरनेट के ज़रिए फॉर्मेट चेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें अगर आपकी 70 MB 100 MB की वीडियो हुई तो फिर तो सुबह से लगा दीजिएगा, शाम तक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बेहतर नहीं है कि आप फटाफट इसको 10-15 मिनट में निकालेंगे। देखें अब छोटी सी फाइल थी तो ये देखें जल्दी हो गया, फाइल जितनी बड़ी होगी उतना थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने इस तरह मोबाइल की कोई वीडियो या कोई भी दुनिया की कोई ऐसी वीडियो जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो कैमटेजिया स्टूडियो पे ओपन नहीं हो रही, तो आपने हैंड ब्रेक के ज़रिए उसको MP4 फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने उसको कैमटेजिया स्टूडियो में ओपन करना है। देखें अब ये देखें यहाँ कम्प्लीट हो चुकी है, ये देखें क्यू फिनिश्ड। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने यहाँ कोई और वीडियो फ़र्ज़ करें उसको MP4 बनाना है तो सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देना है, हैंड ब्रेक को क्लोज़ कर देना है, एक वीडियो बनाकर MP4 का फॉर्मेट बनाकर हैंड ब्रेक को क्लोज़ कर देना है, और दूसरी वीडियो बनाने के लिए दोबारा उस हैंड ब्रेक को डबल क्लिक करके उसके आइकन पे उसको दोबारा ओपन करना है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है जी, तो ये आपने अभी इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अगर दूसरी कोई वीडियो बनानी है तो दोबारा हैंड ब्रेक को ओपन करके फिर उसमें करेंगे, यानी एक दफ़ा सॉफ्टवेयर खोलने पे एक ही वीडियो आपने हैंड ब्रेक पे जो है MP4 बनानी है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये देखें अब जो हमने वीडियो फॉर्मेट चेंज किया था डी में, ये देखें हम पहुँच गए हैं, ये देखें हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया, ये देखें ये इस वीडियो का पहले विंडो मीडिया प्लेयर था वो भी हो गया, और ये साथ ये MP4 भी आ चुका है, ये देखें नीचे KMP MP4 ऑडियो वीडियो फाइल। ठीक है जी, अब दोस्तों अब आप इसको बेशक कैमटेजिया में जाएं, ठीक है जी, इंपोर्ट मीडिया, ठीक है जी, और डी में हम पहले ही मौजूद हैं, ये देखें ये वही वीडियो जो पहले शो नहीं हो रही थी अब वो शो होने लग गई है। ठीक है, दुनिया के कोई वीडियो मोबाइल का कोई फॉर्मेट आपने चेंज करना हो उसको MP4 करने के
करना हो ताकि वो कैमटेजिया स्टूडियो पर चल सके, तो आपने उस फाइल को हैंड ब्रेकेज दिया MP4 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कैमटेजिया में खोल लेना। अब ये देखें, मैं इसको डबल करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगी। ये देखें, अब हम इसको दोस्तों बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको प्रोशो गोल्ड, जो PS गोल्ड हम जिसे कहते हैं, PS गोल्ड सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको जिस पे पहले वीडियो बनाना सिखाई है, उसका भी फॉर्मेट जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कैमटेजिया। ये देखें, ये एक वीडियो, ये देखें बिजेयर के नाम से, ये हमने प्रोशो गोल्ड में बनाई हुई है, ये देखें मैं डबल ये करता हूँ, लेकिन इसको भी कैमटेजिया स्टूडियो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये देखें ये सारी बनी हुई है, ये देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी वीडियो जो है ये प्रोशो गोल्ड में बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि प्रोशो गोल्ड पे जो बनी हुई जो स्लाइड है वो हम कैमटेजिया स्टूडियो पे ले आएं, तो उसका भी यही तरीक़ेकार है कि आपने जनाब उसका भी यही तरीक़ेकार है कि आपने उसको हैंड ब्रेकेज दिए ही MP4 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको कैमटेजिया स्टूडियो में ओपन कर लेना है। ठीक है जी, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि मैं, ये देखें अब ये बिज़ेर के नाम से थी, तो देखें हमने इसको ओपन किया, अब ये देखें बिज़ेर के नाम से आ तो रही है, लेकिन आप इसको ज़रा डबल क्लिक करें, देखें कैन नॉट लोड फाइल डी बिज़ेर। ठीक है जी, ये देखें MP2 फाइल्स आर नॉट सपोर्टेड इन कैमटेजिया स्टूडियो, यानी कि ये कैमटेजिया स्टूडियो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसको एक्सेप्ट करवाने का तरीका क्या है? ठीक है जी, वही हैंड ब्रेक में जाएँ, जो मैंने पहले तरीका बताया, जिस तरह से वीडियो अपने फाइल में जाके उसको ओपन करना है, उसके बाद आपने उसको स्टार्ट इनकोडिंग जो तरीका पहले बताया वही दोबारा दोहरा कर वही वीडियो इंशाल्लाह आपकी कैमटेजिया स्टूडियो में सामने आने लग जाएगी, तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये यकीनन आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।